बोल सकती है, जो इस सकती है वो किस किस दे नाल पता लग गया, कैन दे नाल। सो कैन ये दर्शाता है, कैन उस चीज की पॉसिबिलिटी नु दर्शाता है कि ये काम कर सकता है या कर सकती है। उठे असी कैन लगाने हैं। शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। आई हैव सम मनी, मेरे को कुछ पैसे ने। आई कैन बाय ए प्रेजेंट फॉर माई मॉम, कि मैं अपनी मदर वास्ते, आपकी माँ वास्ते खरीद सकता हाँ, कोई गिफ्ट खरीद सकता हाँ। सकता हाँ मीन्स कैन ने, कैन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सो कैन दी जिहड़ी फंक्शनैलिटीज है, दो फंक्शनैलिटीज ने कैन दियाँ, और किथे किथे असीं इहनूं यूज कर सकते हाँ। फर्स्ट फंक्शनैलिटी इहदी है अबिलिटी, काबिलियत। एक काबिलियत नूं दर्शाता है, मैं आ काम कर सकता हाँ, उत्थे असीं काम, आई कैन डू दिस वर्क। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हाँ, आई कैन रन वेरी फास्ट। मैं कुछ भी कर सकता, आई कैन राइट, आई कैन राइट फास्टली, और मैं अच्छे तरीके नाल और बहुत तेजी नाल स्विम कर सकता है, आई कैन स्विम स्विफ्टली। फास्टली की जगह असी स्विफ्टली भी यूज कर सकते हैं। सो स्विफ्टली, फास्टली, तुसी सबनों मैं बेनती करांगा कि तुसी जदों भी कोई नया वर्ड सीखो उदा सिनोनिम्स जरूर देखो। सो फास्टली अगर असी डिस्कस कर रहे हैं, तुसी इसनों गूगल दे विच ऐड करो कि फास्टली दे सिनोनिम्स की होंगे, तब बहुत सारे निकले आएंगे। स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब भी फास्टली होंगे। सो इस तरह तो नवे नवे वर्ड्स का ज्ञान होएगा, जो कि थोड़ी हैंडराइटिंग इंप्रूव करेगी, हो जिस दे नाल हैंडराइटिंग इंप्रूव होएगी। अज एक स्टूडेंट ने भी किया सी उहदे ग्रुप दे विच कमेंट कि वी नीड मोर राइटिंग टिप्स। सो राइटिंग इंप्रूव कदों होंदी है, जदों तुहाडे कोल बहुत अच्छा शब्दकोश या डिक्शनरी या लैक्सीकल रिसोर्स तुहाडा बहुत अच्छा होवे। आपां डेफिनेटली राइटिंग स्किल्स ते वी डिस्कस करांगे, बट मैं इस चीज़ ते जोर देवांगा कि तुसीं वोकैबलरी भी नाल नाल इंप्रूव करते रहो। सो कैन दी फंक्शनैलिटी है, एक तो एक काबिलियत नूं दर्शाता है कि मैं ये काम कर सकता हाँ, एक पॉसिबिलिटी नूं दर्शाता है कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। कैन इट बी पॉसिबल, कि ये पॉसिबल है। कैन यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, कि तुसी एक ग्लास ऑफ वाटर ले आ सकते हो। कैन यू हेल्प मी आउट, ठीक है। और सेकंड है यस आई कैन हेल्प यू आउट, कि मैं कर सकता हूँ। उधर भी साड़ी काबिलियत शो होंगी है या साड़ा सरमत, असी दस सकते हैं कि हाँ जी असी ये कर सकते हैं। थेलमा कैन राइड ए बाइक, सिंपल फॉर्म ऑफ नेम। कैन जेड़ा है एक वर्ब दी सिंपल फॉर्म है। कैन दा जेड़ा पास्ट पार्टिसिपल कुड आ जाता है, आप उसनों भी डिस्कस करांगे। थेलमा कैन राइड राइड ए बाइक, थेलमा कैन टू राइड ए बाइक। ए टू जेड़ा है, टू ए रॉन्ग सेंस होगी, कैन दे नाल टू कदी नहीं आंदा। राजीव कैन नॉट स्नोबोर्ड, राजीव कैन नॉट स्नोबोर्ड, राजीव कैंट स्नोबोर्ड। सो अगर नेगेटिव है, कैन दे नाल नॉट लगावांगे, कांट बन जाएगा, कैन नॉट, कांट। सो करेक्ट फॉर्म, जिहड़ी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, उसनों कैंट कहांगे। आपां कॉन्ट्रैक्शन भी पढ़ियां सीगियां, मस्ट नॉट मस्टन बन जाता है, इज नॉट इजेंट बन जाता है। इसी तरह कैन नॉट नू असी कैंट कह सकते हैं। सो स्पीकिंग दे विच असी कैंट ही इसनों कहांगे। फॉर्मल राइटिंग दे विच असी कैन नॉट ही लिखांगे, उत्थे असी कैंट नहीं लिख सकते। कैंट अगर तुसी इनफॉर्मल लिख रहे हो, अपने फ्रेंड नू लेटर लिख रहे हो, अगर तुसी अपने प्रिंसिपल नू लेटर लिख रहे हो, फिर कैन नॉट ही लिखोगे, दैट इज ए फॉर्मल। ए डॉग डैश स्विम, कैन और कैंट, कैन स्विम। कैंट ए किटन डैश रीड, कैनॉट वेरी गुड। कैन फ्री सो
स्टूडेंट तेरा हूं ना। ए बटरफ्लाई डैश डांस कैंट जोनास कैन कम टू स्कूल विद अस जोनास कैन कम टू स्कूल विद अस कैन जी कैन दी प्रोनाउंसिएशन है कन अलग अलग लैंग्वेजेस दे विच अलग अलग एक्सेंट्स दे विच अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है बट वी कॉल इट कैन कैंट दी प्रोनाउंसिएशन इस तरह जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कैंट एंट की आवाज आती है कैंट फिश डैश स्विम कैन 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 फिश डैश फ्लाई कांट कांट कैंट जिराफ डैश रो कांट कैन लॉयन Alia can speak Farsi. Can you speak Farsi? Okay. So, hun subject assi is naal sentence banane hai. So, jadon assi interrogative sentences di gal karde hain, question mark, udo can agge aa jayega. Ki jadon assi kise nu sawal puchde haan, ta can da jo can hai, oh first place te aa jayega, subject place te. Can plus subject plus main verb. Can you speak Farsi? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨ ਯੂ ਸਪੀਕ ਫਾਰਸੀ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋ ਆਈ ਕੈਨਟ ਕੈਨ ਇਹਦਾ ਡਰਾਈਵ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਉਰੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੱਸ ਕੈਨ plus subject plus main verb. So, hun ek different form assi dekh rahe hain jide vich question puchya gaya where the use hoya can hai where can I walk my dog. So, this is a different kind of question jide vich question puchya gaya aur where first aa gaya in the park. When can we bake cookies? Kisi ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡਡ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆ ਗਏ ਵੈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੈਨ ਕੈਨ ਵੀ ਬੇਕ ਕੁਕੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇਅਰ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਕੈਨ ਲਿੰਗਾ ਜੰਪ ਰੋਪ ਯੈਸ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੇਗਾ ਆਈ ਕੈਨ ਬੇਕ ਦਾ ਕੇਕ ਕੈਨ ਯੂ ਬੇਕ ਦਾ ਕੇਕ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਸੋ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੈਨ ਦੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨ ਯੂ ਬੇਕ ਦਾ ਕੇਕ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯੈਸ ਆਈ ਡੂ Yes, I can. I, agar can de vich question puchhe, tusi answer vi can de vich hi dena hai. This is the right grammatical accuracy. Hun tusi ethe can de vich question puch rahe hai aur tusi ethe I do keh doge, that is a wrong sense. Theek hai? So, can you bake a cake? Ki tusi bake, ki tusi cake bake kar sakde ho? Yes, I can. Main kar sakda hoon. So, can the answer can de vich hi doge? So, this is the best form of reply. They know how to dance very well. They can dance. They know how to dance. Meaning same hai. They can dance. They know how to dance. But sense de vich thoda ja fark aa janda hai. Can you dance? Question puch rahe ne. Do you know how to dance? If we don't know the meaning same hai. Know how to express ability. So, jidda main pehla bhi dassiya ki ability nu express karda hai can. Ability or possibility. Ability means kabiliyat.
कैन यू डांस की तुसी डांस कर सकते हो यस आई कैन डांस वेरी वेल ठीक है तो वो एक दसदा है कि एक थोड़ी काबिलियत है यस आई डू डू यू नो हाउ टू निट की तुहानू बुनना आंदा है यस आई डू और डू यू नो हाउ टू प्ले गोल्फ यस आई डू नाउ विल डिस्कस कुड कुड दा प्रयोग किथे हुंदा है आई कुड नॉट वॉच टीवी लास्ट फ्राइडे सो कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन कि जेड़ा काम हो चुका है उस लिए असी कुड लगा देंदे हैं आई कुडंट वॉच कुड नॉट नूं असी कुडंट बोल रहे हैं कुडंट आई कुडंट वॉच टीवी लास्ट फ्राइडे So could is a past form of can. I can't watch TV this afternoon. I have to do my laundry. I could not watch TV last Friday. Last Friday di gal ho rahi hai ta couldn't aayega. I had to. Hun dekho e present de vich gal ho rahi si ki afternoon di gal ho rahi hai e last week di gal ho rahi hai. Itthe I had aa gaya. Fir have nahi aayega. Assi had lagawange. क्योंकि वो काम लास्ट फ्राइडे हो चुका आई हैड टू डू माई लॉन्ड्री क्योंकि मैंने लॉन्ड्री करनी पड़ी सी इसलिए आई कुडंट वॉच टीवी लास्ट फ्राइडे नेगेटिव कुडंट बनेगा ओके कुड यू गेट टू क्लास बिफोर 9 हुन इत्थे कुड एक आस्किंग फॉर्म है कि असी अगर किसी ने कोई रिक्वेस्ट करते हैं कुछ पूछते हैं वी कैन यूज कुड एज वेल एक तो पास्ट वास्ते यूज हुआ सेकंड यूज हो गया कि कुछ पूछन वास्ते कुड यू डू दिस फेवर टू मी कुड यू गेट टू क्लास बिफोर 9 इहदे विच कुड सब्जेक्ट मेन वर्ब लास्ट ईयर वी वेंट टू थाईलैंड वी डैश गो स्विमिंग एवरी डे कुड We could go swimming every day, yes. Could or couldn't I dash fix the heater because I didn't have the right tools? Couldn't. Good. देखो इतने didn't आ गया तो naturally है कि I couldn't fix the heater because मैं heater नू fix नहीं कर सकया because I didn't have The right tools, मेरे को right tools नहीं सीखे उन्हें fix करने वास्ते, so didn't आ गया negative form आ गई और इस करके थे भी negative ही आएगा। जब तो तुसी sentence उन्हें fit करके देखोगे, then you come to know कि उधर right meaning बन रहा है या wrong बन रहा है, उसकी sense की बन रही है। Always sentence नो तुसी पंजाबी में convert करो, जेड़ा भी sentence है, I dash use the blue blanket because it was dirty. Couldn't. I am able to read very fast. Now present hai, I am able to read very fast. I can read very fast. Same meaning. Chahe si present de vich isnu bana liye, chahe si can nu use kar liye. You will be future de vich discuss kar de, you will be able to go home Monday. You can go home Monday. Past de vich, I wasn't able to watch a movie last Saturday. I couldn't watch a movie last Saturday. So basic purpose behind this, ki assi can or could no use kar sakde haan. Sentences de vich, past, present or future no describe karan vaaste ehe use hunde ne. Past no couldn't represent ya could represent karda hai. Future or present no can represent karda hai. Janice, if she can use sign language, be able to. Janice, deaf. She dash use a sign language. She is able to use. So, be able to. We sentences the which use in there. Ki yeh also yeh bhi dasta hai ki thodi kabliyat hai. I am able to write more than 500 words, or I will be able to do this task by next week. कि मैं कर सकांगा सो इस सकांगा दी गल आ गई हां
मेरे बीच एक काबिलियत है, ही कुडंट फिनिश हिज वर्क, ही डैश फिनिश हिज वर्क, वाजंट एबल टू. गोल्ड फिश कैंट सिंग, गोल्ड फिश aren't able to sing. Okay. So can or could de vich doubt hai kise nu? Any doubt in can or could? No, sir. Okay. So next concept assi possessive nouns da karange. Possessive nouns ਉਹ ਵਾਲੇ ਨਾਊਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੀ ਹੈ. ਦ ਡੋਗ ਹੈਜ਼ ਏ ਕਾਲਰ, ਦ ਡੋਗਸ ਕਾਲਰ ਇਜ਼ ਬਲੂ. ਇਸ ਜੋ ਕੌਮਾ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦ ਗੋਡਸ ਕਾਲਰ ਇਜ਼ ਬਲੂ, ਕਿ ਡੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਲੂ ਹੈਗਾ. ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰਿਓ. ਪੋਜੈਸਿਵ ਨਾਊਨ. ਨੋ ਸਰ, ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਸਰ. ਹਾਂ, ਥਿਸ ਇਜ਼ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ. ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜੈਸਿਵ ਨਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਲਗਾਤਾ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ. ਸੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਊਨ ਆ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਹਦਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਡੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ ਬਲੂ ਸੀ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਉਹ ਪੋਜੈਸਿਵ ਨਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਨ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਸਨ ਇਜ਼ ਟਾਲ. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਟਾਲ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਾਫੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਊਨ ਪਲੱਸ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ. ਆ ਦੇਖੋ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਏ ਪੀ ਓ ਐਸ ਟੀ ਆਰ ਓ ਪੀ ਐਚ ਈ. ਸੋ ਇਸ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਨਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ. ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਲ ਅਪਡੇਟ ਯੂ. ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦ ਡੋਗਸ ਹੈਵ ਕਾਲਰਸ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਗ ਸੀਗਾ, ਡੋਗ ਦੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ ਤਾਂ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ. ਅਗਰ ਡੋਗਸ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਐਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ. ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਪਾ ਕੇ ਐਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ. ਹੁਣ ਜੇ ਪਲੂਰਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਡੋਗਸ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਫਾਰਮ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਪਲੂਰਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗੀ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਦਾ ਡੋਗਸ ਕਾਲਰਸ ਆਰ ਬਲੂ. ਪੋਜੈਸਿਵ ਨਾਊਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਸੋ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ. ਜਸਟ ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਹੈਵ ਸਨਸ, ਮਾਈ ਸਿਸਟਰਸ ਸਨਸ ਆਰ ਟਾਲ. ਸੋ ਸਿਸਟਰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਸੀ, ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ. ਨਾਊਨ ਪਲੱਸ ਐਸ ਪਲੱਸ ਐਫਰਸਟ੍ਰੋਫੀ. ਮਰੀਨਾ, ਮਰੀਨਾਜ਼ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ. Is it right? Sir, no. No, sir. No, sir. Right form ki hoegi? Marina apostrophe. S trophy. Sir, apostrophe, sir. A trophy. Very good. Theek hai? So, Marina's house, matlab Marina da jira kar hai. A possession show karda hai ki ye kar Marina da hai. She likes Luke's smile. Is it right? No, sir. No, sir. No, sir. The dogs share a house.
एपोस्ट्रोफी कितने आएगी? सर जी के बाद तो बहुत से पहले ओके सो द फैक्ट्री मेक्स चिल्ड्रंस शू Right, sir. The factory makes. उन makes क्यों लग गया? Make क्यों नहीं लग गया? Sir, factory singular है. Very good. So, आप पहला भी discuss कर चुके हैं. थोड़ा थोड़ा आप विचों भी कर दे रहांगे. Factory singular है इस करके verb दिनाल s लग गया. अगर factories होंदा तो make आना सी. It also makes women's shoe. हुन देखो, it आ गया तो makes आ गया, क्योंकि ये भी singular है. Women's shoes and boots. Some people's names are hard to say. Children plural है, men plural है, women plural है, people plural है. Irregular plural nouns में. Regular plural possession nouns. The girl's teacher. Irregular plural noun, possessive nouns, men's shoes. हुन देखन वाली ये चीज है, ये plural है, फिर भी apostrophe s singular दे तरह इसनु treat किता गया, क्योंकि जो people है, वो एक group है. Basically, it is a group. असी एक group नु represent कर रहे हैं. So, अगर ये plural हुंदा, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣੀ ਸੀ ਹੁਣ ਵਿਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚਿਲਡਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਅ ਗਰੁੱਪ These shoes belong to Tyler. They are Tyler's shoe. These shoes are for men. They are men's shoes. Okay. I guess clear ho gaya na sabnu apostrophe da koi doubt? No, sir. No, sir. Clear, sir. Yes, sir. Clear. नेक्स्ट टाइम जदों तुसीं न्यूज़पेपर रीड करोगे आई वुड सुजेस्ट एवरीवन कि रोज तुसीं थोड़ा जा इंग्लिश दा न्यूज़पेपर जरूर रीड करो मैगजीन रीड करो और उन्हां दे विच पंचुएशंस जरूर देखो पंचुएशंस जिहड़े मार्क्स हुंदे ने कॉमा फुल स्टॉप एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन मार्क या डबल सैमी कॉलन वो भी आपां करांगे सो उहदे विच ये चीज़ां एपोस्ट्रोफी भी ध्यान च दिओ कि एपोस्ट्रोफी किथे किथे पाई है और क्यों पाई है सिंगुलर ते पाई है प्लूरल ते पाई है या हो इररेगुलर वर्ब ते पाई है सो यू विल कम टू नो ओके सो पोजेसिव प्रोनाउंस केड़े हुंदे है माई दा माइन बन जांदा है यूअर दा यूअर्स बन जांदा है माइन हाउस यूअर्स हाउस हर्स हाउस हिज हाउस आर्स हाउस देयर्स हाउस This bicycle belongs to me. This is my bicycle. This bicycle is mine. So, is sare possessive de vich aa jande. You own the backpack. The backpack belongs to? Me. You. You. That is dash backpack. Your. 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 The backpack is? Your. Your. We own these. Jina the background nice hai, so kindly. So jede students the piche koi bhi chal raha hove background voice hove ja. कुछ भी चल रहा हो काइंडली वो अपना माइक को म्यूट रखें ताकि क्लास के विच डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो
सो वी ऑन दीज फ्लावर्स, सो जेडे स्टूडेंट्स के बैक साइड ते कोई भी नॉइस या कुछ भी नहीं है, साइलेंट है सारा कुछ, वही ओपन करेंगे. सो वी ऑन दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स बिलोंग्स टू अस, दीज आर डैश फ्लावर्स, आवर आवर नहीं कहना, आर फ्लावर, आर आर फ्लावर. सो जदों असीं ओ यू आर नू प्रोनाउंस करना है, इहदा साउंड सिर्फ आर आएगा, आवर नहीं आएगा, फुल नहीं प्रोनाउंस करना, आर, इहदा साउंड आर है, ठीक है, आर. दीज फ्लावर्स आर Whose pen is this? Mine, it's my pen. Whose pens are these? Ben's, theirs, Ben's. Okay, so basically apostrophe or possessive noun भी ऐसी आज cover कर लेते ने. Any concept, देखो tenses आपने cover हो चुके ने, adjective, verb, noun, part of speech we have covered already. So let's see the comparison as well. एनी रिक्वायरमेंट, किसी की कोई खास रिक्वायरमेंट हो कि कुछ नहीं समझ आ रहा या कुछ खास टॉपिक से तुसी जानना चाहते हो और यू फेसिंग डिफिकल्टी इन सर्टेन एरियाज. सर व्हाइल राइटिंग और एनी राइटिंग टास्क. ओके, सो राइटिंग दा आपां डिस्कस करांगे फॉर श्योर, वो एक्चुअली लेंथी हो जाएगा, आपां एक कंपैरिजन करांगे, दिस इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग एज वेल. सो कंपैरिजन यूजिंग द सेम एज, सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम. सो कंपैरिजन की होएगा कि एक चीज दूजी तो किस तरह डिफरेंट है या सिमिलर है या ऑपोजिट है. मोरा एंड लोरा आर द सेम, दोनों दे लुक लाइक सेम और दे एग्जैक्टली सेम. मोरा एंड लोरा आर द सेम, मोरा इज द सेम एज लोरा, कि जेडी मोरा है लोरा दे वर्गी है, ठीक है, सेम एज. अगर हां जी, यस प्लीज, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, आई एम शेयरिंग स्क्रीन. ओके ओके, सॉरी फॉर दैट. इज इट विजिबल नाउ? यस सर. ओके गुड. सो सेम एज जेड़ा वर्ड है असीं उत्थे यूज करदे हां जदों असीं सिमिलैरिटी शो करनी होवे दो चीजां दी, कि ये चीज ओदे वर्गी है या ये ओदे वर्गा है या वर्गी है. सो द सेम एज, मोरा एंड लोरा आर द सेम, मोरा इज द सेम एज लोरा, कि जेडी मोरा है वो लोरा वर्गी है देखने दे विच या गलबात दे विच. सिमिलर टू, सेकंड है सिमिलर टू, नैन एंड जैन आर सिमिलर, नैन इज सिमिलर टू जैन. सो दोने लड़कियां अगर देखन सेम दिख रही ने तो असं कह सकते हैं सिमिलर दिख रही ने, एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर, लुक लाइक. सो नैन इज सिमिलर टू जैन. डिफरेंट फ्रॉम, नाउ डिफरेंट फ्रॉम की इस तो अलग है. एलिस एंड हैना आर डिफरेंट, कि एलिस एंड हैना दोनों डिफरेंट ने एक दूजे तो. एलिस इज डिफरेंट फ्रॉम हैना, डिफरेंट दे नाल ऑलवेज फ्रॉम लगेगा, डिफरेंट फ्रॉम हैना. D is dash A. Different. D is different. Yes, different from A. क्योंकि D square है, A is just like this, so D is different from A. B is dash E. So similar to same as.
द सेम एज सो बी जेड़ा है इत्थे स्टार बनाया ई वी उहदे वर्गा एग्जैक्ट स्टार है सो बी इज द सेम एज ई ओके नाउ सी इज डैश टू एफ सिमिलर और सेम का डिफरेंस पता लग गया सब नूं सिमिलर मीन्स देखो की फर्क सीगा सेम एज का मतलब एग्जैक्ट सेम है बी और ई तुहानूं देख रहे हो ना बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है स्टार्स सन बना हुआ है दोनों पासे देयर इज नो चेंज इन डायमेंशंस अगर नो चेंज इन डायमेंशंस बिल्कुल सेम ने तो यह सेम एज लगेगा अगर थोड़ा जा डायमेंशंस दे विच चेंज है हुन हार्ट बनया एफ दा और सी भी हार्ट है बट सी थोड़ा जा फ्लैट हार्ट है तो दैट इज सिमिलर टू सेम असी ओ कहांगे जिहड़ी एग्जैक्ट सेम होवे देयर इज नो चेंज योर बैग इज लाइक माय बैग आई हैव अ ब्राउन बैग विद टू स्ट्रिप्स यू हैव अ ब्राउन बैग विद टू स्ट्रिप्स योर बैग इज लाइक माय बैग Okay. Your bag and my bag are alike. Hun dekho inna ne ek nava word use kita alike. Alike means ki hunda similar. Alike da matlab ki similar. Our bags are alike. Hun dekho tin forms nal is ki cheez nu describe kar ditta ki tuhanda jehda bag hai mere bag warga. Your bag is like my bag. Your bag and my bag ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਗ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਰ ਅਲਾਈਕ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਅਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ ਆਰ ਬੈਗਸ ਆਰ ਅਲਾਈਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗਸ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ alike similar meaning same hai na alike da means bhi similar hai like da means okay adelie's car arthur's car adelie and arthur have similar cars in other words their cars are alike A bus is dash a train in some ways. Like a train. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, can you tell me again the meaning of like and alike? Dekho, inna da meaning same hai. Alike da means vi ode varga hunda hai. Like means similar to. Alike means similar. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਟੂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਲਾਈਕ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬੋਥ ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਸੈਂਸ ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਲਾਈਕ ਔਰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਡਲੀ ਐਂਡ ਆਰਥਰ ਹੈਵ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਰਸ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਦੇਅਰ ਕਾਰਸ ਆਰ ਅਲਾਈਕ कि लुक लाइक ओदे वर्गी है ए बस इज डैश ए ट्रेन इन सम वेज लाइक ए ट्रेन सो देखो अलाइक जेड़ा हो जांदा है कि अलाइक और लाइक दे विच है थोड़ा सा डिफरेंस है बहुत सारे सेंटेंसेस दे विच ओ यूज हुंदा है alike or hun itthe these girls are sisters they look alike ki oh ode vargi lagdi hai but same nahi hai but ode vargi lagdi hai shakal same nahi hai height same na hove shayad but they look same hun assi then de aa jande hain then assi kadon lagane hain jadon assi comparison karde hain ki eh is to mota hai eh is to chota hai ya is to bada hai nicola is taller than then nahi kehna isnu it's than so than is basically used to compare things comparison waste hi use hunda hai than tonu main let me clear more in detail alike nu assi ho details khol ke dekh sakte hain
two or more people or things similar to each other, do or zyada cheeza hon, ik duje vargiyan hon, unna nu similar hon ta si alike laga dene. Two brothers were very much alike. So like or alike de vich bahut chota ja difference hai. Meaning another same hai almost. किसी नो डाउट है दे विच लाइक और अलाइक दे विच नो सर नो सर यस सर ओके लाइक नो अगर ऐसी होर ब्रीकिच देखिए हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज एज सिमिलर टू हुन देखो अलाइक मींस अगर ऐसी गहराई च देखिए डिक्शनरी दे मीनिंग तो भी यही पता लगता है कि अगर दोनों ब्रदर्स जेडे हैगे है ट्विन्स ने और बिल्कुल सेम ने देन असी उन्हों लावांगे लाइक वर्ड उत्ते यूज करांगे अगर उन्होंने फीचर्स मिलते ने कि वह एक दूजे नाल सिमिलर टू ने ठीक है अगर ब्रदर ने बट उन्होंने हाइट सिमिलैरिटी नहीं है बट देखने दिस दे लुक सेम देखने उन्होंने फीचर्स मिल रहे हैं बट उन्होंने हाइट नहीं मिल रही कलर नहीं मिल रहा अगर वह देखने सिमिलर लग रहे ने उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशन सेम ने दैन वी यूज अलाइक कि अगर तो बिल्कुल एग्जैक्ट करैक्टरिस्टिक ने जो उन्होंने सेम फीचर्स ने फिर असी लाइक लावांगे सिमिलर टू लावांगे अगर थोड़ा जा डिफरेंट है बट दे लुक सेम हूँ जिवें बैग सिगा देखने सेम सी बट वह मटीरियल डिफरेंस हो सकता है दैन उसनों असी अलाइक यूज करांगे हूँ असी टॉल दैन का यूज करांगे फॉर कंपैरिजन नाउ निकोला इज टॉलर दैन ब्रैडली कि उस तो बड़ी है निकोला इज मोर टॉल दैन ब्रैडली रोंग आएगा मोर नहीं लगावांगे टॉलर आएगा So, taller is a verb. More tall is, there is no exact meaning. Happiness is more important than money. So, happiness, paise to zyada important hai. Happiness is important than money. More important than money. Importanter koi word nahi hunda. To compare two person or things, adjective plus er or more plus than. So adjective comparative, adjective with one syllable. Big, bigger, cheap, older, cheap, cheaper aega, old or older aega. Funny, funniest aega, funnier aega, pretty, prettier aega. Famous, more famous, important, more important, interesting, more interesting, good, better, bad, worse, fast, far, farther. Ivana is dash than Paris. So, you see age dekhni hai. Ivana di age kitni hai? 19 hai. Paris di hai 17. Ivana is dash than Paris. Older than Paris. Okay, important me use karna hai. Family is dash than money. More important. Very good. Happy me use karange. The women with the smile looks dash than the women with the frown. More happy. Happier. We have a big family. My brother is older than me. Grandpa is the oldest of all. Brother, me. Agarina velo apadi grandpa is the oldest. A superlative degree aagi. Comparative. Superlative. So comparative kyu hai ki my brother is older than me. Ki mera brother mere to bada hai.
उन्होंने दस दिया ग्रैंडपा इज ओल्डेस्ट, सब तो बुजुर्ग ने, सारे तो बुजुर्ग ने, वो उसनों असी सुपरलेटिव डिग्री कह देते हैं, जिवें गुड बैटर बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव च आ जाता है, इसे तरह एडजेक्टिव विद वन सिलेबल, ओल्ड ओल्डर द ओल्डेस्ट, बिग बिगर द बिगेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव आ गया, प्रिटी प्रिटियर प्रिटीएस्ट, ईजी ईजियर ईजीएस्ट, असी कहने पेपर वॉज द एग्जाम वॉज वेरी ईजीएस्ट, और एग्जाम वॉज ओके एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव, ही बॉट द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, कि उन्हें सब तो महंगी कार खरीदी, इंपॉर्टेंट मोर इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इरेगुलर फॉर्म्स गुड बेटर द बेस्ट, बैड वॉस द वॉस्ट, फॉर फादर द फादरस्ट, सो जी सुपरलेटिव डिग्री दे नाल हमेशा द कैरी हुंदा है, टॉल नो यूज असी करांगे, जस्टिन इज डैश देन पेरिस, इवाना इज द डैश द सिस्टर्स, जस्टिन इज डैश देन टॉलर सर टॉलर, इवाना इज द डैश टॉलेस्ट, सो दैट्स ओ ओ टॉलेस्ट, सब तो इवाना जड़ी है सारे तो टॉलेस्ट है, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल, एक्सपेंसिव, ए गुड बाइसाइकिल इज एक्सपेंसिव, द मोटरसाइकिल इज मोर एक्सपेंसिव, द कार इज मोस्ट एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल, ठीक है, द आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, सो पहला बाइसाइकिल की गल होगी कि इज एक्सपेंसिव, मोटरसाइकिल इज मोर एक्सपेंसिव, द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल, ए हॉर्स इज डैश देन ए डॉग, हैवियर सर हैवियर, एन एलिफेंट इज डैश ऑफ ऑल, द हैवियस्ट heaviest, the heaviest, superlative आ गई ना, the आएगा, young is the is one of the cutest baby I know, babies I know, angel falls is one of the most beautiful waterfalls in the world, हम देखो describe एक किता but s लगाया, that means कि बाकी अमंग अदर्स कि बाकिया दे विचों ए वन ऑफ द क्यूटेस्ट है कि बाकी सोनिया दे विचों एक है, हुन एंजल फॉल्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, कि जिन्ने भी वाटरफॉल्स ने उन्हां दे विचों एंजल फॉल्स इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, हुन इत्थे वाटरफॉल नहीं लगाना सी, वाटरफॉल्स ही लगेगा क्योंकि बाकिया नूं भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उन्हां दे विचों ये जड़ा है बहुत सोनिया दे विचों एक सोना है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, जैक्सन इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, ये जड़ा स्टूडेंट्स है कि सारे दे विचों ये बेस्ट स्टूडेंट है इन द स्कूल, सो वन ऑफ प्लस सुपरलेटिव इस दे नालो दर्शांदा है कि बाकियां दे विचों ये बेस्ट है, dash is one of the dash dash Tahiti is one of the most beautiful places is one of the most beautiful places in the world good was barbecue in the town restaurant was hr de vicho dash is one of the dash dash Bose barbecue is one of the best restaurants in this town. Dash is one of the dash dash. The Eiffel Tower is one of the tallest buildings. Eiffel Tower is one of the tallest building in the France. Janet is sad, but Kendley is happy. Janet is sad, but
हूँ आ गया यूजिंग बट का प्रयोग असि कितने करांगे जेनेट इज सैड पर कैंडल इज हैप्पी ही लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक बट शी लाइक्स जैज दिस इज द ओपोजिट ऑफ दैट बट बेसिकली के ओपोजिट ऑफ दैट सो बट तो पहला कॉमा कैरी करता है बिकॉज सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है He likes classical music. अगर अपने आप दे विच असी देखिए एक कंप्लीट सेंटेंस है He likes classical music. But असी हम सेकंड सेंटेंस शुरू करना है सो वी विल पुट अ कॉमा बट शी लाइक्स जैज हम असी दूसरे पर्सन की गल कर रहे हैं Imelda is tall, but Jenna is short. The first test was easy, but this test is difficult. The dinner wasn't very good, but the dessert was delicious. So a contractions ne are, aren't, is, isn't, was, wasn't, so negative form hai, inna di banai gi affirmative, they like candy, but we don't, Jay brought gum, but Alexi didn't. So these are contractions ये पकार चुके हैं। Kendall is happy but Janet isn't. But shortened verb phrase. This dog is on the leash but that dog isn't. Young won't go on the airplane, but her friends aren't on. Well, want again, na? So want the jagah will aayega. Won't go future bhi gal ho rahi hai, but her friends will. Young won't go on an aeroplane ki nahi jayega, but her jayegi, but her friends will. वो जानगे सम पीपल लव पेट गोल्ड फिश बट आई डोंट मेकिंग कंपैरिजन विद एडवर्ब्स जेमी वॉक्स मोर क्विकली देन पेट डजंट superlative Ben worked the most quickly of all so most quickly hai ki superlative more carefully more neatly more slowly so ending in ly adverbs ending in ly with more comparative superlative de vich hi aa jande so these we covered better score Paula had the best score. So Sully had a good score on the English test. English test where Sully's got 75%, Merna got 88% and Paula got 100%. So comparison ki karange, Merna had a better score than Sully and Paula had the best score of all. Ki sare nalo Paula da score higher siga. I have to get up early on Monday. I have to get up dash on Tuesday. Earlier, sir. Superlatives kya aayega? I have to get up dash on the earliest. Saman can run quickly. Comparative. Majid can run more quickly.
superlative, Larry can run dash of all the most quickly. All right, apna bhi cover kar chuke. Let me check. So comparisons ho gaye, possessive nouns ho chuke ne apne. एनी अदर क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट इन्हों चीज़ों को लैके जो अज आप कवर की कैन कुड पोजेसिव नाउन कंपैरिजन, तीन चीज़ा अपन कवर हो चुकी ने अज. एक्सक्यूज मी सर. यस प्लीज सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मे और कैन? मे मोस्टली यूज किया जाता है जब आप किसी तो कोई चीज परमिशन मांगते हैं. एक्सप्रेसिव पॉसिबिलिटी और मे आई नो यू, मैं तुहानू जान सकता हाँ. मे आई कम इन, जो असि किसी ऑफिस जाते हैं तो असं मे यूज करते हैं. कैन नहीं पूछते. कैन इज एन अथॉरिटेटिव. कैन दे विच असी दसते हैं लोगों को, कैन यू स्पीक, कि तुसी बोल सकते हो. आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हाँ. कैन यू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कि तुसी मेरे लिए पानी लिया सकते हो. बट मे दे विच एक मे जेड़ा वर्ड है वो एक परमिशन आ जाती है. यूज टू आस्क, स्क्रीन दिख रही है तो अनु मेरी? यस सर. यस सर. यूज टू आस्क फॉर और टू गिव परमिशन, किसे तो परमिशन लैन वास्ते या परमिशन देन वास्ते मे दा यूज होंदा है. सकना जिसनों आप कह सकते हैं, आग्या लैनी किसे दी. मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कि मैं थोड़ी अटेंशन ले सकता दो मिनट ली. मे आई कम इन, और ठीक है. सो उदे विच मे दा यूज होंदा. और कैन यूज होंदा कि तुसी एक्सप्रेस करदे हो, तुसी अपना दसदे हो कि ये कर सकता हाँ, मैं ये कर सकता हाँ. सो मे बेसिकली इज मोर फॉर रिस्पेक्टफुल अथॉरिटीज. एनी अदर क्वेश्चन? ग्रुप बनिया होया साडा एजुकेट पंजाब, ओदे विच ऐड नहीं हैगे. तुसी तां मैम नू कॉन्टेक्ट कर लेना एंड शी विल ऐड यू, ठीक है. Okay. Any other question, anyone? Kise da bhi koi question hove regarding anything? Yes, sir. Yes. Asi jadon assi question puchna hunda hai, assi can te could dono use kar sakde ha na? Could tusi dekho, could da prayog itthe vi hunda hai. Could you bring a glass of water for me? So can or could use kar sakde ho. Could is a past participle of can, used to indicate possibility as well. They could be right. कि हो सकते, हो सकते हैं, right भी हो सकते हैं. You could always ring him up. They could have told me, कि मैं दस सकता सी या दस सकती सी. ठीक है. He irritates me so much that I could scream. So yes, questions like could or can the प्रयोग किया जा सकता है. It depends किस sentence structure दे विच तुसी use करते हो. सो तुसी कैन और कुड ते मैं कहांगा कि जस्ट गो टू यूट्यूब एंड देन जस्ट टाइप कुड. तुसी अपने एंड ते भी बहुत सारी वीडियोस पईयां ने यूट्यूब ते, सेंटेंसेस देख सकते हो. और आई विल शेयर सम, ठीक है. ओके सर, थैंक यू. यू वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? So how many tasks are present in writing task of IELTS? देखो IELTS दे विच basically there are two writing tasks. First is writing task one, जिदे विच तुसी एक graph नो reporting करनी हुंदी है. You need to write a report on a graph. If you are preparing for academic, academic is basically for student visa. Second,
राइटिंग टास्क टू जो हुंदा है उदे विच तुसी यू नीड टू राइट डाउन एन एसे ऑफ मिनिमम ऑफ 250 वर्ड्स एदी वर्ड लिमिट हुंदी है जो रिपोर्ट राइटिंग हुंदी है मिनिमम यू हैव टू राइट डाउन 100 वर्ड्स सो इना दे फर्दर अपर डिफरेंट नेक्स्ट क्लास दे विच वी कैन डिस्कस हाउ टू राइट इफेक्टिवली सो बेसिकली उन्होंने थोनों टॉपिक दिता हुंदा है एक सेंट्रल आइडिया सो सेंट्रल आइडिया दे रिगार्डिंग ही तुसी लिखना हुंदा है सो यू हैव टू राइट डाउन द इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट इज बॉडी पैराग्राफ वन बॉडी पैराग्राफ टू देन कंक्लूजन सो इन्हां नूं फर्दर सैग्रीगेट किया जाता है इंट्रोडक्शन दे विच भी तीन पार्ट्स ने फर्स्ट आ जाता है बैकग्राउंड इनफॉर्मेशन प्लस पैराफ्रेज स्टेटमेंट प्लस थीसिस स्टेटमेंट सो दिस इज फर्दर इन्हां नूं कैटेगराइज किया जाता है इस तरह बॉडी पैराग्राफ दे विच फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन वन पॉइंट दैन यू नीड टू एक्सप्लेन द पॉइंट then you need to give an example isi tarah same pattern body paragraph 2 de vich follow kita janda hai the same pattern conclusion de vich tusi you need to write down the gist of the essay crux gist means nichod crux means nichod gist crux likhna hunda hai or you can paraphrase फर्स्ट तुसी पैराफ्रेज किया दैन यू नीड टू रीफ्रेज सो आपां डिस्कस करांगे किसी दिन किसी क्लास दे विच फॉर श्योर इन नैक्सट क्लास आई विल ट्राई टू डिस्कस कि हाउ टू राइट इफेक्टिवली एक्चुअली मैं पहला छोटी छोटी चीज़ां कवर करना चाहवागा ताकि तुहानू चीज़ों का पता लग जाए डायरैक्ट राइटिंग स्किल्स से जाना हले ठीक नहीं है सो आई विल सी हाउ यू विल इंप्रूव तुसी किन्नी इंप्रूवमेंट नाल लगन नाल पढ़ाई करते हो किन्नी थोड़ी इंप्रूवमेंट होएगी बिकॉज हर स्टूडेंट का डिफरेंट लैवल है सो आपां अगर बहुत हाई लैवल तो शुरू कर दिता तो इट वॉन्ट बी पॉसीबल सब लिए मुश्किल हो सकती है स्टूडेंट्स लिए सो इसलिए मैं स्लो स्लो एंड स्टडी चल रहा हूँ एनी अदर क्वेश्चन pausing and pacing yes sir. what do you mean exactly I mean what do you want to say pausing dekho pausing ta you need to pause something hai na pausing honi kehnde ne pausing and placing nu tusi kis context ch use kar rahe ho sir speaking de vich matlab kis tarah hana apa kithe that is the speaking skills you are talking about because yes. pause pausing the apne aap de vich pause nu hi keh dende hai pause dena and tusi IELTS bhi prepare kar rahe ho no sir okay so pausing and placing basically speaking de vich bahut sari cheeza aa jandi hai pausing and placing is very a small topic speaking de vich if we talk about speaking not only IELTS speaking we be speaking hove फर्स्ट थानू कोई भी चीज टॉपिक मिलता है यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक इंट्रोड्यूस द टॉपिक इन वन टू टू लाइन्स ठीक है उस तो बाद तुसी डबल्यू एच फैमिली इसनों असी कहंदे हां उसका प्रयोग करना होंदा डबल्यू एच फैमिली नाल की होंदा यू नीड टू जो थानू टॉपिक मिलिया For an example, tell me something about your hometown. Hometown bare tusi pehla introduce kar ditta ki I live in Ludhiana. It is a beautiful city, right? It is situated in the northern part of India. डबल्यू एच फैमिली दे विच तुसी कंटेंट जनरेट करना है उसके रिगार्डिंग होर किवें चीज़ां तुसी डिस्क्राइब कर सकते हो सो डबल्यू एच दे विच आ जाता है वेयर होम व्हाट
ਹੂ ਵਾਈ ਐਂਡ ਹਾਊ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਓਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ whom you live with ide naal reh rahe ho what you do in your city or what you call your city bahut sare question kar sakte hain who you like to visit in your city why you like your city how you rate your city ki baaki cities nalo tuhadi city kis tarah di theek hai ide nal content generate ho gaya introduce karo fir ye questions nu generate karke likho inna de answers likho automatically tuhade kol bahut sare answers create ho jange sometimes jidda IELTS de vich bullet points hunde ne bullet points de vich puchya janda hai ki where do you live in your city have you visited other cities too what is the speciality in your city or what is the food speciality so jadon tuhanu bullet points mile hon question de vich tusi first thoda focus hunda ki inna nu answers kariye so jadon tusi inna nu answer kar dende ho then conclusion aanda hai कंक्लूजन दे विच तुसी टॉपिक नू कंक्लूड कर देना कंक्लूड किदा पता लगेगा कि तुसी कंक्लूड करन लगे हो एट द एंड एट लास्ट टू एनकैप्सुलेट जिस तरह दवाई वाला कैप्सूल हुंदा है ना कैप्सूल तो यह वर्ड बनया एनकैप्सुलेट कि सारे ही टॉपिक नो असी छोटे जे कैप्सूल च बंद कर देता इहदे तो एक बहुत अच्छा वर्ड बनया एनकैप्सुलेट तुसी लिख लो चाहे ई एन कैप्सुलेट कैप्सूल हुंदा जिहड़ा असी दवाइयां जिहदे विच दवाई बनी भरी हुंदी है जो असी खांदे हां ठीक है सो कैप्सूल तो बनया एनकैप्सुलेट जिस तरह एक दवाई जो मेडिसिन है वह कैप्सूल च बंद है जिहदे नाल बीमारी ठीक हो जाती है इसे तरह असी सारियां चीजां एक छोटे जे कैप्सूल च बंद कर दिता दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेट सो जदों असी इस तरह दे फ्रेजेस यूज करते हैं एट द एंड एट लास्ट टू एनकैप्सुलेट टू सम अप ये चीजा दर्शांदियां ने कि असी हुण इस चीज नू कंक्लूड करन लगे हैं असी इस टॉपिक नू बंद करन लगे हैं एनी डाउट नो सर